यूट्यूब से उठाओ, ब्लॉगर में लगाओ और डेली के 3000 कमाओ। तो इसके लिए आपको ये 6 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा और आपका साथ एक दूसरे को ग्रो करने में बना रहे। स्टेप नंबर 2 में हमने ब्लॉग क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम सा ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डेमो जी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद फिर इसका नाम देते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं जी। तो हमारा ब्लॉग रेडी हो गया। अब तीसरा स्टेप है कि इसका हमने थीम चेंज करना है जी। तो यहाँ पर थीम के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ कस्टमाइज के साथ एरो का निशान इसके ऊपर क्लिक करना है और एडिट HTML पे जाना है। ये हमारा थीम ओपन हो गया। अब हमने इसको रिमूव करना है, सारे को रिमूव, और इसकी जगह पर ये वाला थीम पेस्ट करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल से। टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के मतलब आप अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इसका लिंक ऊपर भी दे दूंगा। इसको सारे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस उसी थीम में आना है और इसको सारे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव के बटन को प्रेस कर देना है जी। तो हमारा थीम हो गया सेव। अब हमने अगला काम ये करना है कि ये वापस डैशबोर्ड पर आके हमने व्यू ब्लॉक कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारा ब्लॉक कैसा नज़र आ रहा है। तो जी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि वापस उसी डैशबोर्ड में, ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमने CSS को ऐड करना है। तो लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे थीम डिज़ाइनर पर लिखा है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा थीम डिज़ाइनर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि CSS ऐड करना है। वो किस तरह करना है, नीचे आपने जाना है एडवांस में जी। तो एडवांस को ओपन करते हो तो यहाँ पर नीचे आपने ऐड करना है CSS। CSS पे क्लिक करें और यहाँ से ये कोड कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके नीचे सेव वाले बटन में प्रेस करना है और उसके बाद वापस डैशबोर्ड में जाना है जी। तो वापस डैशबोर्ड में जाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक नई पोस्ट क्रिएट कर ली। न्यू पोस्ट पे दबाने के बाद यहाँ पर एक पेज आ जाएगा। तो मैं पोस्ट का नाम दे देता हूँ डेमो। डेमो लिखने के बाद अपना क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान रहे कि इसको कंपोज HTML में होगा या कंपोज्ड व्यूज में होगा। तो आपने यहाँ पर इसको करना है कंपोज HTML मोड। HTML मोड में करने के बाद ये सब डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने वापस उसी फाइल पर आना है। अब यहाँ से ये लास्ट वाला कोड सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने वापस आना है डैशबोर्ड में और यहाँ पे हमने आके इसको पेस्ट करना है जी। अब हमारा अगला स्टेप है यूट्यूब वाला। यूट्यूब पे आके आपने कोई सा भी ट्रेंडिंग टॉपिक देखना है जिसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हो, आपने इसके ऊपर शेयर का बटन दबाना है और ये आखिरी वाला ओब्लिक के बाद जो क्यू से स्टार्ट होता है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस ब्लॉगर में जाना है जहाँ पर हमने वो कोड पेस्ट किया था और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है विद आईडी। आपने विद आईडी की जगह इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव पब्लिश के बटन पर प्रेस करना है। पब्लिश होने के बाद आपने देखना है कि अब इसका कमाल है। अब इसको हम प्ले करते हैं तो क्या कहते हैं जी, ये प्ले हो रहा है जी। क्या ये रहा प्ले हो गया जी। देखें नीचे स्क्रॉल करते थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कहता है जी। ये ऑटोमेटिक प्ले हो गया जी। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा इतना काम हो गया, अब कमाई कहाँ गई, हमारे पैसे कहाँ गए। तो चले रुकते हैं, वो भी आपको बताते हैं वो किस तरह करना है कि आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अपना एक अकाउंट बनाना है। अब वो कौन सा अकाउंट बनाना है वो आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर लास्ट स्टेप है कि आपने एजटेरा पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, आप YouTube से वीडियो देख कर बना सकते हैं। और यहाँ पर ऐड वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये वाली सबसे ऊपर लिखा है वेबसाइट, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने मूवीज़ को सिलेक्ट करना है। मूवीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये साइड वाले एरोटेक सॉफ्टवेयर ये वाले तमाम को ख़त्म करना है और ऐड कर देना है। और मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट ऐड हैं, तो मैं कैंसिल करता हूं और आपको किसी एक वेबसाइट का दिखाता हूं। तो ये वाली है मेरी मूवीज़ वाली वेबसाइट। तो मैं इसको ओपन करता हूं और इसका ये कोड कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं वापस अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में और यहाँ पर हमने लेआउट को सेलेक्ट करना है। लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद हमने जहाँ पे लिखा होगा HTML JavaScript इसके ऊपर क्लिक करना है और पहले वाले तमाम स्क्रिप्ट को डिलीट करके यहाँ पे अपना नया स्क्रिप्ट
पेस्ट करना है, इस तरह दो चार दफ़ा करना है, इतनी जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आए। मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ ताकि ये ऊपर भी आ गया और वीडियो के ऊपर भी आ गया, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक जगह पे देख लेते हैं कि वो कौन सा और कहाँ पे होगा। यहाँ ऊपर लिखा है रेड हेडर लेफ्ट, यहाँ पे भी हम क्लिक करते हैं और यहाँ भी इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आप इसमें सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम आप देखते हैं कि इसका नज़ारा कैसा आता है, तो हम व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पर ये पेज लोड हो रहा है। लोड होने के बाद देखते हैं कि किस तरह का नज़ारा पेज होता है। जी लोड हो चुका है। ये तीन ऐड नज़र आ गए, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन ऐड हमारी वीडियो के बिल्कुल ऊपर में है। और ये वीडियो अगर कोई भी प्ले करेगा तो उसको ये तीनों ऐड लाजमी से देखना होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रोसीजर हमने ये कोड्स वगैरह दिए हैं ये कहाँ से मिलेंगे, आपको किस तरह मिलेंगे। आपने हमारे चैनल के डैशबोर्ड में आना और यहाँ पे आपको नज़र आएगा जी टेलीग्राम का लिंक, आपने इसको ज्वाइन करना और यहाँ से आपने वो फाइल आप डाउनलोड कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।